नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आम आदमी पार्टी ना तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रही है और ना ही झारखंड विधानसभा चुनाव में, लेकिन अरविंद केजरीवाल दोनों ही राज्यों में इंडिया ब्लॉक के लिए कैंपेन जरूर करेंगे। अरविंद केजरीवाल का ये कैंपेन भी लोकसभा चुनाव जैसा ही होगा, लेकिन दोनों में एक फर्क होगा और ये बड़ा फर्क होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने इंडिया ब्लॉक के लिए कैंपेन किया था, लेकिन इस बार ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं जिससे मालूम होता है कि वो कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार नहीं करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया था। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के साथ जमशेदपुर में संयुक्त रैली की थी और झारखंड के लोगों से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का बदला लेने की भी अपील की थी। दिल्ली ऐसी ही बातें वो अपने लिए कह रहे थे। अगर दिल्ली के लोगों ने इंडिया ब्लॉक को जीत का सहरा पहना दिया तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होते ही उनको जेल जाना पड़ा था। फिलहाल अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति केस में जमानत पर छूटे हुए हैं। हालांकि ये रैलियां कब और कहां होंगी अभी ये तय नहीं हो सका है। अभी तक बस इतना ही बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल इंडिया ब्लॉक के राजनीतिक दलों के लिए नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल क्या कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार नहीं करना चाहते और इसलिए एक कंडीशन रख दी है जो कि उम्मीदवार बुलाएंगे उनके लिए वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे। ये तस्वीर तो तभी साफ हो पाएगी जब कोई कांग्रेस उम्मीदवार बुलाए और अरविंद केजरीवाल उसके लिए वोट मांगने से इनकार कर दें। लेकिन ये सवाल यही खत्म नहीं हो जाता। अगर अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र में तीन पार्टियों के लिए चुनाव कैंपेन की हामी भर चुके हैं तो निश्चित तौर पर उन राजनीतिक दलों के नेताओं यानी हेमंत सोरेन, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से ही बात हुई होगी। जाहिर है सब कुछ होने के बावजूद कांग्रेस और केजरीवाल के रिश्ते कभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसे कई वाक्य हुए जब दोनों दलों के नेता मन शेयर करने से बचते रहे। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे बारी बारी शामिल हुए, एक साथ नहीं। और दिल्ली में भी भले ही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए रोड शो किए, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तो एक भी रोड शो नहीं किया। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब कांग्रेस को किनारे कर इंडिया ब्लॉक में नई गुटबाजी कर रहे हैं। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी तो ऐसे ही प्रयास कर रही थी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।